दिल्ली की पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से अपराधियों से निपटने के लिए एक उधार का फार्मूला आजमाना शुरू किया है। ये फार्मूला है अपराधियों को लंगड़ा कर देने का। जी हां, दिल्ली पुलिस करीब करीब हर रोज अपराधियों के पैर में गोली मार रही है। आखिर क्यों, क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। दिल्ली के अपराधियों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। हर गुनहगार दहशत में है, हर अपराधी हड़बड़ाया हुआ है। कल तक जिन गुनहगारों के नाम से दिल्ली के इलाके कांपते थे, वो अब खुद भागे भागे फिर रहे हैं। इसकी वजह है अपराध रोकने का दिल्ली पुलिस का वो नुस्खा जो मौके पर अपराधियों को लंगड़ा बना देता है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ऐसे एनकाउंटर कर रही है जैसे उसने पहले कभी नहीं किए। करीब करीब हर रोज पुलिस की सरकारी पिस्टल से गोली चलती है। गोली हर बार किसी न किसी अपराधी के पांव में धंसती है और उसे लंगड़ा बना देती है। गोली एक बदमाश के पांव में लगेगी और डर से सभी बदमाशों के पांव कांपेंगे। इसी सोच के साथ दिल्ली पुलिस लगातार एनकाउंटर्स को अंजाम दे रही है। पुलिस का मानना है कि इस तरह ना सिर्फ अपराधी को जीवन भर का सबक मिलेगा बल्कि उसके हश्र से अन्य अपराधियों में भी दहशत पैदा होगी। दिल्ली पुलिस के इस नए फॉर्मूले ने जुर्म की दुनिया में भूचाल ला दिया है। गुनहगार बदहवास हैं क्योंकि पुलिस अब किसी मुजरिम को बख्शने के मूड में नहीं है। लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि अगर पुलिस अपने इस ऑपरेशन लंगड़ा को 2 से 4 महीने और चला गई तो दिल्ली से अपराधियों का नामो निशान मिट जाएगा। आंकड़े देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस इन दिनों किस तेवर में है। 20 अक्टूबर रोहिणी, पुलिस ने कुख्यात स्नैचर आकाश कपूर और करण को पैरों में गोली मारी। 18 अक्टूबर लाजपत नगर, इकबाल नाम के वांटेड अपराधी को पुलिस ने पैर में गोली मारी। 17 अक्टूबर द्वारका, रंगदार करण तेवतिया को पुलिस ने पैर में गोली मारी। 16 अक्टूबर रोहिणी, कुख्यात अपराधी राजकुमार रावण को पुलिस ने पैर में गोली मारी। 15 अक्टूबर वजीराबाद, रवि नाम के स्नैचर से एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में गोली मारी। जाहिर है ये इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक हो भी नहीं सकता कि पुलिस का रोज अपराधियों से सामना हो रहा है और हर बार इत्तेफाकन गोली अपराधियों के पैरों में ही लगती है। अगर कोई अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस कोशिश करती है और अपराधी वहां से रिटेलिएट करता है, पुलिस पार्टी पर अटैक करता है, तो पुलिस को अधिकार है कि वो उसको जायज अपना बल इस्तेमाल करते हुए उसको काबू कर सकती है और उस जायज बल में गोली मारना भी जायज है। अगर पुलिस को लगे कि उनके ऊपर अटैक हो रहा है और पुलिस का कोई आदमी मर सकता है उनकी गोलीबारी से, इसलिए वो भी गोली चलाने का उनको राइट है, सेल्फ डिफेंस में वो सब काम करते हैं। दरअसल ये दिल्ली पुलिस का प्लान है, वो प्लान जिसके तहत अपराधधानी में न तो अपराध को बर्दाश्त किया जाएगा और न ही अपराधियों को। अदालत में सुनवाई जब होगी तब होगी, लेकिन पुलिस की गोली मौके पर ही अपराधियों के पैरों में सुराख कर उन्हें सजा की पहली किस्त दे देगी। देखिए, जब से अभी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अपराध के संख्या बढ़ी है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, स्नैचिंग बढ़ी है, दूसरे रोबरी केसेस बढ़े हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस के क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और दूसरे कुछ जिलों के कुछ स्पेशल स्टाफ के कुछ ऑफिसर्स की टीम बनाकर जो ये अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, इससे निश्चित रूप से अपराध में कमी आने की संभावना है और इससे अपराधियों के दिमाग में खौफ पैदा होगा। वो समझते हैं कि हम ऐसे ही बच जाएंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। अब वो ये बात सोचने से, ये कोई क्राइम करने से दो बार सोचेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने यही तरीका निकाला है दिल्ली में जुर्म की टांग तोड़ने का। अब अपराधियों को लेकर दिल्ली पुलिस बेरहम हो चुकी है। अब दिल्ली में गुनहगारों को उसी भाषा में समझाया जाएगा जो भाषा वो समझते हैं। इसीलिए दिल्ली के गैंगस्टर्स के दिलों में पुलिस का खौफ घर कर चुका है। वो बस्ते घूम रहे हैं, वो जानते हैं कि अब जब भी उनका पुलिस से सामना होगा, उनका एक पैर उनका साथ छोड़ जाएगा। जो अपराधी हैं, जो कभी क्राइम करने की सोचेंगे, उनको भी अगर ये महसूस होगा कि वो अब पुलिस सतर्क हो गई है, पुलिस अभी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, तो हो सकता है उनको भी पैर में गोली लग जाए। तो इस वजह से, इस डर की वजह से हो सकता है वो क्राइम ना करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इफेक्ट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की ये कार्रवाई बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर सद्दाम के मामले में तो नौबत पुलिस की गोली लगने के बाद उसका एक पैर काटने की आ चुकी है। बाकी भी जख्मी होकर अस्पतालों में पड़े दर्द से कराह रहे हैं। और पुलिस के इस एक्शन के बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली से जल्द ही गुनहगार अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल लेंगे।
ठीक वैसे ही जैसे यूपी में हुआ है। आगे बताएंगे पुलिस ने ये टांग तोड़ आइडिया उधार किससे लिया है। टीम न्यूज नेशन। कानून की हिफाजत करनी है तो गुनहगारों के दिल में वर्दी का खौफ बिठाना ही होगा, यही वो फलसफा है जिससे पुलिस का ये टांग तोड़ आइडिया ईजाद हुआ है। वैसे आइडिया सबसे पहले आजमाया था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिसका इस्तेमाल कर यूपी पुलिस ने जुर्म की दुनिया में तहलका सा मचा दिया था। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर ले क्या हो। बस योगी का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में गुनहगारों की जिंदगी में भूचाल आ गया, पूरे सूबे में पुलिस की बंदूकें गरजने लगी और गुनहगार लंगड़े होकर गिरने लगे। मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जिले जो गुनाहों के लिए कुख्यात थे, वहां तो हर रोज एनकाउंटर होने लगे। प्रदेश भर के गुनहगारों में हाहाकार मच गया। गुनहगारों को पुलिस चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाने लगी। जिस अपराधी ने भी पलट कर पुलिस पर गोली चलाई वो अगले ही पल लंगड़ा हो गया। यूपी पुलिस ने बेतहाशा इनकाउंटर किए और फिर ये नौबत आ गई कि अपराधी खुद थाने पहुंचकर सरेंडर करने लगे। जमानत पर छूटे हुए मुजरिमों में ऐसी खलबली मची कि वो अपनी जमानतें रद्द करवाकर खुशी खुशी जेलों में जाकर बैठ गए। लंबे अरसे के बाद गुनहगारों के दिलों में कानून का खौफ पसर कर बैठ गया था। इसका असर ये रहा कि साल 2018 में ही 83 अपराधी मारे गए, 650 जख्मी हुए और 3430 अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। यूपी पुलिस ने कुल 14,746 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया। पुलिस के एक्शन से घबराए कुल 15,892 बदमाशों ने खुद सरेंडर कर दिया। पुलिस के डर से करीब 10,000 अपराधी अपनी जमानत रद्द करवाकर जेल गए। इस ऑपरेशन की बदौलत बीते 2.5 साल में यूपी में क्राइम रेट देश में सबसे कम रहा है। यूपी में रेप की घटनाएं 35% कम हुई, किडनैपिंग की वारदातों में 29% की कमी आई, छेड़छाड़ की घटनाएं भी 37% कम हुई, डकैती के मामले 27% तो लूट के केस 34% कम हो गए। यानी कह सकते हैं यूपी में अपराध की कमर ही टूट गई। इसीलिए यूपी पुलिस भी अपने इस ऑपरेशन को एकदम कामयाब मानती है। खुद योगी आदित्यनाथ भी यूपी में कम हुए क्राइम रेट पर अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हर व्यापारी गुंडा टैक्स देता था सपा बसपा की सरकार के समय, आज गुंडा टैक्स उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर है या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। या तो गुंडे जेल में हैं या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुके हैं। ये है सुशासन, ये है सुरक्षा। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने भी अब योगी के टांग तोड़ फॉर्मूले को अपना लिया है। यूपी पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर शुरू किया तो बदमाशों ने दिल्ली का रुख किया, और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, यहाँ तक की लोकल थानों ने भी एनकाउंटर करके बदमाशों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो दिल्ली से कुख्यात अपराधियों ने भागना शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब इन एनकाउंटर्स के जरिए अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा किया जाएगा। बिना कहे पुलिस का गुनहगारों को मैसेज साफ है कि या तो वो दिल्ली छोड़ जाए या फिर सुधर जाए, क्योंकि अब अंजाम सिर्फ जेल की सलाखें ही नहीं है बल्कि वो बेपनाह दर्द भी है जो 9mm की गोली लगने के साथ अपराधी को सहना पड़ेगा। आमतौर पर पुलिस वाले एनकाउंटर से हिचकते हैं, लेकिन योगी के इस फॉर्मूले से ना यूपी पुलिस को परहेज था और ना ही दिल्ली पुलिस को है। ऐसा क्यों, ये आगे बताएंगे। टीम न्यूज नेशन।
आमतौर पर पुलिस वाले एनकाउंटर से परहेज करते हैं, क्योंकि हमारे देश में एनकाउंटर पर सवाल उठना नई बात नहीं है। विभागीय जांच होती है और कई बार तो बात पुलिस वालों की नौकरी तक पर बनाती है। लेकिन इस टांग तोड़ू फॉर्मूले में जोखिम कम है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इसे बेधड़क अपना लिया है। आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस को यह ऑपरेशन शुरू करने की जरूरत पड़ी क्यों। टांग तोड़ फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो पुलिस को बेहद रास आ रहा है। फंसने का जोखिम नहीं, ये देखिए जब गोली लगती है, मैं आपको बता दूं, मुझे तो गोली लगी हुई है, मुझे मालूम है क्या होता है कि जब जहां गोली लगती है वहां पे निशान बहुत छोटा होता है और जहां से निकलती है वहां निशान बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो निशान अगर विजिबल है पैर में कहीं कौन सी जगह पे लगा ये डिपेंड करता है। तो अगर विजिबल जगह पर है, अगर नेकर पहन रखी और पैर में अगर निशान लगा हो तो गोली का निशान जाहिर नजर आएगा, अगर वो किसी चीज से ढका हुआ है तो वो नजर नहीं आएगा। ये खास तौर से उन गुनहगारों के खिलाफ ज्यादा कारगर है जो पेशेवर अपराधी हैं और गुनाह करना जिनकी आदत होती है। दिल्ली में लुटेरे आमतौर पर सुनसान और अंधेरी जगहों पर ही वारदात करते हैं और अब दिल्ली पुलिस ने भी उनका ही रास्ता अख्तियार कर लिया है। दिल्ली में हाल में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनमें से ज्यादातर अंधेरी और सुनसान जगहों पर ही अंजाम दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो उनकी टीमें शाम होते ही अपराधियों की एक्टिविटी पर नजर रखती हैं और जैसे ही सही मौका लगता है उनको घेर लिया जाता है। आइए अब टांग तोड़ फॉर्मूले के फायदे गिन लेते हैं। पैर में पुलिस की गोली लगने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि पैर में लगी गोली का निशान मिटता नहीं है और वो पुलिस रिकॉर्ड में मुजरिम की पहचान का काम करता है। पैर में गोली लगने के बाद आमतौर पर अपराधी पहले की तरह भाग दौड़ कर अपराध नहीं कर पाता। कई मामलों में तो अपराधी हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। गोली लगने से अपराधी के मन में कानून का डर बैठ जाता है। पैर में गोली मारने पर पुलिस को भी जांच का सामना नहीं करना पड़ता। पैर में गोली मारने पर पुलिस को मानवाधिकार का हंगामा और नौकरी जाने का डर भी नहीं होता। लगातार होते एनकाउंटर से अपराध जगत में पुलिस का सख्त संदेश जाता है कि NHRC और दूसरे और बहुत से कानून हैं, इंक्वायरी है, जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती है। जब कोई एनकाउंटर में आदमी मारा जाता है तो पुलिस पर कई सवालिया निशान हो जाते हैं कि पुलिस इसको जिंदा भी पकड़ सकती थी लेकिन नहीं पकड़ा और मार दिया। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर पुलिस ऑफिसर अपना जो भी बचाव में गोली कहीं चलाता है तो अपना विवेक को इस्तेमाल करते हुए अगर वो किसी ऐसी वाइटल पार्ट पर गोली ना चलाकर कोई ऐसी जगह पर गोली चलाता है जिससे वो डिसेबल हो जाए, आदमी जो क्रिमिनल है वो डिसेबल हो जाए और उसको पकड़ने में उसको आसानी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस को योगी का ये टांग तोड़ फार्मूला अपनाना पड़ गया। तो इसका जवाब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट। जी हाँ, ये रिपोर्ट कहती है कि देश के तमाम मेट्रो शहरों के मुकाबले दिल्ली में क्राइम कहीं ज्यादा है। NCERB के मुताबिक देश के 19 महानगरों में सबसे ज्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं। देश के 19 मेट्रो शहरों में कुल जितने अपराध होते हैं उनका 40% अपराध तो सिर्फ दिल्ली में हो जाता है। यानी राजधानी में बढ़ा हुआ अपराध दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था। दिल्ली में घटित कुल अपराधों की संख्या साल 2015 में सिर्फ 1,91,000 थी, वहीं साल 2017 में यह बढ़कर 2,32,000 दर्ज हुई। यानी अपराध 2 साल में करीब 2 गुने बढ़ गए। NCERB के आंकड़ों पर गौर करें तो देश के 19 महानगरों में जितने केस दर्ज हुए हैं उनमें से 40% हिस्सा दिल्ली का है। यानी कि देश के 19 महानगरों में घटने वाले अपराधों में 40% अपराध अकेले दिल्ली में दर्ज हुए हैं। जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस अपराधियों पे लगाम लगाने में नाकाम है। इस बार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 1 साल देरी से जारी किए गए। क्राइम रिकॉर्ड 1 साल देरी से जारी करने के बाद भी दिल्ली में बढ़ते अपराध का आंकड़ा नहीं छिपाया जा सका। इसलिए माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को यूपी पुलिस का फॉर्मूला अपनाना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली में जहां क्राइम बढ़ा है वहीं यूपी में एनकाउंटर्स के बाद क्राइम रेट घटा है और अब दिल्ली पुलिस के सामने इस आजमाए हुए फॉर्मूले को आजमाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली और यूपी पुलिस ने अपराधियों को लंगड़ा कर क्राइम कंट्रोल करने का तरीका खोजा है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस का अंदाज और फॉर्मूला दोनों अलग है। MP पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर सारे शहर में उनका जुलूस निकालती है। मकसद होता है आम लोगों के जहन से अपराधियों का खौफ खत्म कर देना। देखिए, ये अपराधियों को सबक सिखाने का मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस का अंदाज। बीच सड़क पर बेझिझक होकर पुलिस वाले अपराधियों से निपट रहे हैं। पुलिस वालों के हाथों में लाठी डंडे हैं और अपराधियों की शामत आई हुई है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के साथ पुलिस वालों का ऐसा सुलूक करना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि ऐसी तस्वीरें अक्सर MP के शहरों से सामने आती रही हैं।
अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये तस्वीरें इंदौर शहर की हैं। पुलिस वाले सड़क पर कई अपराधियों को लेकर खड़े हुए हैं। वर्दीधारी पुलिसकर्मी और एक सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी के हाथ में डंडा है। इसके आगे कुछ पुलिस वाले सड़क पर दिखाई देते हैं। एक पुलिस वाला खुलेआम सड़क पर एक अपराधी को पूरी तरह पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे पुलिस वाले ने अपराधी को पकड़ रखा है। लेकिन बीच सड़क पर पुलिस अपने अंदाज में अपराधियों से निपट रही है। इंदौर की सड़कों पर किसी एक अपराधी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा, बल्कि दर्जन भर अपराधियों से पुलिस इसी अंदाज में निपट रही है। अपराधियों को सरेआम बेझिझक पुलिस वाले डंडों से पीट रहे हैं और सड़कों पर मौजूद लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। अब सुन लीजिए कि जिन इस तरह खुलेआम पुलिस वालों ने पीटा, बाकायदा वीडियो भी बनाया, वो किस तरह के अपराधी और पुलिस वालों ने उनके साथ ऐसा सुलूक भला क्यों किया। हमने आज जो हमारे थाना क्षेत्र में लूट और चाकूबाजी करने वाले बदमाश थे, उनको पकड़ करके हम पर प्रतिबंधात्मक में कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक सुपर कॉरिडोर पर तीन बदमाशों ने गोला को लूटा था, उनको भी हमने पकड़ा है और उन पर सख्त कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है। अपराधियों के साथ ऐसा सुलूक करने के पीछे इंदौर पुलिस चाहे जो वजह गिनाए, चाहे इन अपराधियों के जो भी गुनाह रहे हों, लेकिन इस तरह सजा तो नहीं दी जा सकती। हालांकि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए कई बार पुलिस वाले गैर कानूनी तरीका भी अख्तियार कर लेते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।